दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। संपूर्ण मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और उन्हें प्रथम गुरु भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। बता दें कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, और अगर नहीं जा सकते किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर तो घर पर ही गंगा जल नहाने के पानी में डालकर स्नान करें और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद फिर आप अपने गुरुदेव की पूजा पाठ जरूर करें। और अगर वेदव्यास की प्रतिमा चित्र है तो उन्हें सुगंधित फूल पुष्प जरूर चढ़ाएं। और इस दिन गुरु दक्षिणा देने और गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से मंत्र लेना काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों वैसे तो हर माह की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन इस बार की आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का महत्व तो कई ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इस दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। इस बार यह आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहा है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित होती है। आज के दिन गुरु का पूजन किया जाता है। जिन लोगों के आध्यात्मिक गुरु नहीं होते उन्हें अपने इष्ट देव को गुरु ही मानकर उनका पूजन करना चाहिए। आज के दिन अपने माता पिता का पूजन भी अवश्य करें। इस बार गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस बार आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ तुलसी जय माँ लक्ष्मी। माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों भारत में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी के साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरबे को अमृत का रूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है
और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उढ़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उढ़ाते जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उढ़ाते हैं लेकिन मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है इसलिए तुलसी को सफ़ेद चमकीली या फिर नीली चुनरी उढ़ानी अत्यंत शुभ होती है। कई लोग ये भी गलतियाँ कर देते हैं कि तुलसी को चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है लेकिन वो फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी भी आपको हमेशा ओढ़ानी चाहिए। और चुनरी को माता चुनरी के बिना माँ अच्छी नहीं लगती हैं। तुलसी नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह पाप दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग न रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं क्योंकि आप जब भी सुखा देते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई ही रखें और तुलसी को शुद्ध जल ही जरूर दें। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों कोई विशेष मनोकामना है जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करनी है तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध दें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांध दें। तुलसी में यानी आप बांध दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांध कर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, घर से दुख दरिद्रता और यानी कि तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आपको माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बने रहे तो आप लाल मौली धागा नहीं है तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांधें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वो जरूर बांधें, नहीं तो आप एक चुनरी ही जरूर बांधें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।